जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। तो आज अकाउंट्स का एग्जाम था, जैसे कल हुआ था, आज बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स का एग्जाम देकर आए। तो डिस्कस करेंगे आज कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और आज क्या ऐसा नया किया है एनटीए ने जो कल नहीं किया था। सर एक नई चीज़ हुई है, आज 60 मिनट्स मिले, कल 45 मिले थे ना, आज 60 मिले, आज 60 मिले, पता नहीं क्यों। मतलब कि ऐसा क्या किया था कल वाले बच्चों ने कि उनको 45 मिनट्स मिले हैं। कुछ तो उनके साथ होगा मुझे ऐसा लगता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ तो बेनिफिट मुझे लगता है उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर 60 मिनट्स मिले हैं तो ऐसा नहीं हुआ है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, सेम पैटर्न का पेपर आया था सर, थ्योरी बेस्ड पेपर। हाँ जी, आज भी थ्योरी बेस्ड पेपर था, प्रैक्टिकल था, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल था। तो मैंने बच्चों से बात कर ली है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हाँ जी, क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गुडविल से आपके कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए, जैसे कि उन्होंने बोला कि बताओ इनमें से कौन सा गुडविल का मेथड नहीं है। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड दे दिया, सुपर प्रॉफिट दे दिया, कैपिटलाइजेशन एक और दे दिया, और आपसे पूछा गया था गुडविल का मेथड कौन सा नहीं है। काफी आसान हो गया। हाँ जी बिल्कुल। फिर आपसे गुडविल का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, 5 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है, उसमें से एक लॉस भी था, तो उसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। एक लॉस था और आपको बोला 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो। हलवा क्वेश्चन, राइट। गारंटी आई है आज सर, आज एक गारंटी का क्वेश्चन आया है, सरप्राइज सरप्राइज। सिलेबस में नहीं था, लेकिन 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 गारंटी का आसान क्वेश्चन आया। तीन पार्टनर्स थे, एबीसी इक्वल रेशियो था, राइट। एक नया पार्टनर आया, उसको गारंटी दी गई है 50,000 के प्रॉफिट की। सर सिंपल था, आपसे बस ये पूछा गया कि बताओ जो बी है सर वो कितना बियर करेगा, है ना, गारंटी का कितना पार्ट बियर करेगा। आसान सा क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो, मैं आज आपको करवा दूंगा अगर मुझे करवाना होगा तो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था सर, एडमिशन में केस स्टडी जैसे कल आई थी, सेम। हाँ जी बिल्कुल, सेम एज इन सेम पैटर्न की फिगर मुझे अलग बता रहे हैं बच्चे सर, लेकिन सेम पैटर्न, डिट्टो सेम पैटर्न। एक एडमिशन हो रहा है, उससे आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स, नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। मैंने कल के पेपर के बेसिस पे एक मॉक टेस्ट आपको दिया था, वो मैं आज आपको डिस्कस करवा दूंगा, अगर आपको सॉल्यूशंस वगैरह चाहिए मैं डिस्कस करवा दूंगा। सेम पैटर्न का आपका आया हुआ है, एडमिशन की केस स्टडी है, रीवैल्यूएशन के सिंपल एडजस्टमेंट्स, गुडविल की एंट्री पूछी गई और न्यू पीएसआर, यही सेम। हाँ जी। देन सर फिर अगेन आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पे क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। कल आपको क्वेश्चन करवाया था, है ना सर, करवा रखा, बिल्कुल करवा रखा है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कि बताओ रिडीमेबल डिबेंचर्स का ये है, इरिडीमेबल को इसको बोलते हैं, परपेचुअल ये है, परपेचुअल इरिडीमेबल तो सेम ही हो गए, कन्वर्टेबल ये है, सेम प्रेफरेंस शेयर्स के साथ हुआ है। हाँ बहुत ही सिंपल। हाँ जी बहुत ही सिंपल। अच्छा ठीक है। देन एक केस स्टडी आ रही है जिसमें डिबेंचर और शेयर्स कंबाइंड है, कल भी आई थी। हाँ जी कल भी आई थी सर। परचेज कंसिडरेशन निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, वही सब चीजें। डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो बताओ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, शेयर्स इशू हुए हैं, शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन था। क्वेश्चन क्या आया है कि भाई देखो 24,000 शेयर्स अप्लाई हो गए और 20,000 अलॉट करें तो बताओ ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, फुल सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन आया शेयर से कि इतने शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, इतने आपने अलॉट करे, तो एक शेयर होल्डर है जिसने सर इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने अलॉट होंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। यस सर, कैश फ्लो में अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको 4 ऑप्शन दिए, आपसे पूछा कि बताओ इनमें से किस में कैश का फ्लो हो रहा है, कल आया था किस में कैश का फ्लो नहीं हो रहा है, सेम क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल, टाइप ऑफ सेम क्वेश्चन है। देन शेयर होल्डर फंड्स का आपसे सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कहा था, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो का पूरा आप एक बार जो सीक्वेंस है वो याद कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। आज शेयर होल्डर फंड्स का आपसे पूछा गया है कि शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आता है, उसका सीक्वेंस पूछ लिया कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वॉरेंट्स, इनका सीक्वेंस पूछ लिया। अच्छा ठीक है। एनपीओ का बहुत आसान क्वेश्चन आया, वेरी इजी, आपसे बस ये पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए, बताया क्या क्या जाता है, बता देंगे हम बिल्कुल। नॉर्मल जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो जाती हैं, ठीक है। देन डिसोल्यूशन सर करवाया भी हुआ है क्वेश्चन, कल के मॉक टेस्ट में भी था कि कैपिटल अकाउंट आपका कैसे क्लोज होता है, डिसोल्यूशन में कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज होता है, बैंक के थ्रू क्लोज होता है, जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया होता है बैंक से सेटल करते हैं। हाँ ये वो क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है। देन अगेन आपसे पूछा गया किसमें कंपेरेटिव कॉमन साइज के सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस किसको बोलते हैं, अच्छा ठीक है ठीक है, वर्टिकल एनालिसिस कॉमन साइज को, यस वही ऑप्शन थे, कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड, ये सब चीजें आपको दे रखी थी। ऑल राइट। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से आपके 2-3 क्वेश्चन साथ बोले हैं कि 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आया, तो वही सर बहुत आसान पेपर आया है,
बहुत ही ज्यादा आसान पेपर आया, बच्चों ने बोला कि 60 मिनट की एक्चुअली में जरूरत थी नहीं, 60 मिनट्स की रिक्वायरमेंट इतनी कुछ थी नहीं, बहुत ही जल्दी पेपर आ रहा है। तो बेशक आपको 45 मिनट्स मिल रहे हो, आपको 60 मिनट्स मिल रहे हो, अगर आपको अच्छे से सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट भी आते हैं तो हो जाएगा। लेकिन अगेन, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि ये मान के मत चलना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम 28 को है, आई गेस अब 28 को है या कल भी, पता नहीं बच्चों का एग्जाम है या नहीं, जिनका भी एग्जाम अब नेक्स्ट आने वाला है, ये मान के मत चलना कि पेपर ईजी आएगा, क्योंकि एनटीए सर सरप्राइज देने में माहिर है वो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत करके जाना, हाँ जी करके जाना, राइट। अगर मैंने जो आपको क्वेश्चंस दे रखे वो भी आप कर लोगे, आई थिंक वो मोर देन सफिशियंट ही है। ये सुनो ठीक है, मैं आपको जो मॉक टेस्ट मैंने कल करवाया था वो मैं आज यूट्यूब पे डिस्कस कर लूंगा, और कुछ क्वेश्चंस उसमें और मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएंगे। बाकी टेंशन नहीं लेने का, सब बढ़िया होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको कहना है, कॉमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, हेल्प हो जाएगी उनकी, है ना, पता चल जाएगा उनको भी कि आगे अकाउंट्स में क्या होने वाला है। बाकी पता नहीं आगे क्या होने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, हम अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, फुल प्रिपरेशन हम करके चलेंगे। देखो एग्जाम आसान उन्हीं बच्चों को लगेगा जो पढ़ कर गए हैं, है ना। ये क्वेश्चंस जो हैं, ये क्वेश्चंस भी तभी आपको आएंगे ना जब आपने पढ़ा है, जब आपने पढ़ाई करी है, तो आप अपना 100% पढ़ के जाओ, एग्जाम आपको आसान ही लगेगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।